कल जो बंदी के दौरान घटना घटी है, हम लोगों की गाड़ियां जो है सो घर में रखने लायक नहीं है। हम लोग अपने बस स्टैंड में उसको सुरक्षित बंद करके खड़ा किए हुए थे और उपद्रवी लोग आए और हम लोगों की 30 से 35 गाड़ियों का तोड़फोड़ किए और हमारे स्टाफों को भी जानलेवा हमला किए, जिसमें बहुत स्टाफ मेरे अभी भी जीवन मौत से झेल रहे हैं। कुछ अस्पताल में है, कुछ घर पे है। बुरी तरह उनकी पिटाई की गई। उसके बाद वो लोग हम लोगों को धमकी भी दे के गए हैं जो FIR अगर आप लोग कीजिएगा तो हम लोग फिर आके तोड़फोड़ करेंगे। इस एहतियात पे हम लोगों का मांग है कि मोतिहारी बस स्टैंड को किसी भी धरना प्रदर्शन के लिए स्पेशल सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, यहाँ एक थाना का पिकेट खोला जाए नाका की तरह, और इसमें चिन्हित करके जो मारपीट और तोड़फोड़ करने के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं उन लोगों पर FIR दर्ज किया जाए। अगर ऐसा रविवार तक, दिनांक कितना होगा रविवार का, रविवार तक अगर नहीं हो जाती है, हम लोग प्रशासन के कार्य से संतुष्ट नहीं होंगे, तो हम लोग रविवार को निर्णय लेंगे 11 बजे कि आगे किस डेट पे हम लोग संपूर्ण चक्का जाम कर पूरे बिहार में।